दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम अपने आप में ही काफी जबरदस्त है, इसलिए भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले मुकाबले भी काफी रोमांचक और जबरदस्त होते हैं। ऐसा ही T20 मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच में नागपुर में 2017 में खेला गया था। सीरीज के दूसरे T20 मैच का टॉस इंग्लैंड ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस मैच में भारत की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। विराट कोहली मात्र 30 रन बनाकर जॉर्डन की गेंद पर आउट हो गए। उनकी जगह लेने आए सुरेश रैना भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए और सिर्फ 7 रन बनाकर आदिल रशीद की गेंद का शिकार हो गए। और उसके बाद बल्लेबाजी करने आए युवराज सिंह तो 12 गेंदें खेलकर सिर्फ 4 रन ही बना पाए। इसके बाद वो भी मोइन अली की गेंद पर LBW आउट हो गए। 11वें ओवर की 3 गेंद फेंकी जा चुकी थी और सिर्फ 69 के स्कोर पर भारत की टीम ने अपने महत्वपूर्ण 3 विकेट खो दिए थे। इंग्लैंड की टीम भारी दिखाई दे रही थी और भारतीय टीम बुरी तरह से दबाव में आ चुकी थी, लेकिन KL राहुल शुरुआत से ही एक छोर पर अपने पैर जमाए हुए थे। युवराज के आउट होने के बाद राहुल को मनीष पांडे का साथ मिला। दोनों के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप दिखाई दी। हालांकि मनीष पांडे काफी धीमी गति से बैटिंग करते हुए दिखाई दिए, जबकि KL राहुल ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। राहुल अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे और टीम का स्कोर भी 100 के पार हो चुका था। उसके बाद राहुल 125 के स्कोर पर 71 रन बनाकर आउट हो गए और फिर मनीष पांडे भी 26 गेंदों में 30 रन बनाकर मिल्स की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। उसके बाद दोस्तों कोई भी बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। हार्दिक पांड्या 2 रन बनाकर पवेलियन वापस लौटे, जबकि अमित मिश्रा अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 0 पर ही आउट हो गए। और भारतीय टीम 20 ओवर में सिर्फ 144 के स्कोर पर ही सिमट गई। इस छोटे से लक्ष्य को देखकर यही लग रहा था कि ये मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा होने वाला है और इंग्लैंड की टीम ही बाजी मारेगी, लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों, क्रिकेट में आखिरी गेंद में भी बाजी पलट सकती है। इस मैच में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। तो आखिर में कैसे पलटी इस मैच की बाजी, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से पारी की शुरुआत जेसन रॉय और सैम बिलिंग्स ने की थी। आशीष नेहरा ने बिलिंग्स को 12 रन के मामूली से स्कोर पे बुमराह के हाथों कैच आउट करवा के इंग्लैंड की टीम को पहला झटका दिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर नेहरा ने जेसन रॉय को सुरेश रैना के हाथों कैच आउट करवा के मैच में भारत की वापसी के संकेत दिए। मात्र 22 रन के स्कोर पर इंग्लैंड के 2 विकेट सब जा चुके थे। इसके बाद जो रूट और मॉर्गन ने पारी को संभाला। इंग्लैंड का स्कोर अभी 65 रन पर ही पहुंचा था कि अमित मिश्रा ने मॉर्गन को अपनी फिरकी के जाल में फंसाकर पांडे के हाथों कैच आउट करवाकर आउट करवा दिया। अब मैच में भारत की पकड़ मजबूत हो रही थी, लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने आए बेन स्टोक्स ने जो रूट के साथ अच्छी पार्टनरशिप की और एक बार फिर से गेम भारत के हाथों से निकलता हुआ नजर आने लगा। इंग्लैंड का स्कोर 100 का आंकड़ा छू चुका था। स्टोक्स अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से भारत पर प्रेशर बढ़ा रहे थे, तभी अमित मिश्रा ने उनको LBW आउट कर इस पार्टनरशिप को तोड़कर इंग्लैंड की टीम को एक करारा झटका दिया। अब मैच अपने निर्णायक मुकाम पर पहुंच चुका था और इंग्लैंड की टीम को 3 ओवर में सिर्फ 28 रनों की जरूरत थी। जोश बटलर ने क्रीज पर आते ही एक छक्का और एक चौका जड़ दिया। अब तो जीत पूरी तरह से इंग्लैंड के हिस्से में थी। अब मैच की बाकी गेंदें भारतीय टीम के लिए बस फॉर्मेलिटी बन चुकी थी और भारतीय समर्थक हार को लगभग स्वीकार कर चुके थे। आखिरी ओवर में इंग्लैंड को सिर्फ 8 रनों की जरूरत थी। भारत की तरफ से बॉलिंग करने आए जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने पहली ही गेंद में जो रूट को 38 के स्कोर पर LBW आउट कर दिया और एक बार फिर से मैच आ गया रोमांचक मोड़ पर। क्रिकेट में ऐसे मुकाबले दोस्तों कम ही देखने को मिलते हैं, जिसमें दोनों ही टीम हर कदम पर वापसी करती हुई नजर आ रही थी। टीम के लिए ऐसे मुकाबले भले ही सरदर्द हों, लेकिन दर्शकों को ये मुकाबले बेहद ही रोमांचित कर जाते हैं। अब इंग्लैंड को 5 गेंदों में 8 रनों की जरूरत थी। स्ट्राइक पर थे मोइन अली। बुमराह की अगली गेंद पर अली सिर्फ 1 रन ले सके और स्ट्राइक अब आ गई बटलर के हाथ में। जसप्रीत ने बटलर को 3 गेंदें खाली करा दी। अब इंग्लैंड को 3 गेंदों में 7 रनों की जरूरत थी। खचाखच भरे स्टेडियम में सभी लोग दिल थाम के बैठे हुए थे। कौन सी टीम बाजी मारेगी, ये कह पाना मुश्किल था। भारतीय समर्थकों की उम्मीद जसप्रीत बुमराह पर टिकी हुई थी। बुमराह ने चौथी गेंद पर जोश बटलर को बोल्ड करके इंग्लैंड की टीम को एक करारा झटका दिया। इसके बाद भारत इस मैच में पूरी तरह से वापसी कर चुका था। 2 गेंदों में टीम को 7 रनों की जरूरत थी और बुमराह अपनी जबरदस्त गेंदबाजी से इंग्लैंड की टीम के होश उड़ा रहे थे। अगली गेंद में बुमराह ने जॉर्डन को सिर्फ 1 रन दिया। इंग्लैंड के पास इस आखिरी गेंद में छक्का लगाकर इस मैच को जीतने का आखिरी मौका था। मोइन अली अपना बल्ला लेकर तैयार थे और जसप्रीत ने आखिरी गेंद भी खाली करा दी। जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारत ये रोमांचक मैच 5 रनों से जीत गया। दोस्तों तारीफ करनी होगी बुमराह की शानदार गेंदबाजी की, जिन्होंने 6 गेंदों पर 8 रन बनने नहीं दिए।
आप बुमराह की शानदार गेंदबाजी को 5 में से कितने स्टार्स देंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी अन्य रोमांचक जानकारियों और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर मेरी चैनल।